तृतीय बटालियन दी डोगरा रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों ने नदौन के विश्राम गृह में 104वां बैटल ऑनर डे मनाया। समारोह में जिला हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, जम्मू कश्मीर, गुरदासपुर से भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बताया कि बैटल ऑनर डे को हन्ना डे के नाम से भी जाना जाता है। 21 जनवरी 1916 को तृतीय बटालियन दी डोगरा रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने मेसोपोटामिया में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभूतपूर्व विजय हासिल की थी। इस विजय में हिमाचल के लांस नायक जमादार लाला ने अदम्य वीरता का परिचय दिया था। उनकी बहादुरी पर उन्हें मरणोपरांत सबसे पहले वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर ऑनरेरी कैप्टन धर्म सिंह, ख्याली राम, संसार चंद, पूरण सिंह, प्रताप सिंह चौहान, सुरेश कुमार, ज्योति प्रकाश, कृष्ण गुलेरिया, निर्मल सिंह, प्रदीप कुमार, मदन लाल, शक्ति चंद, करनैल सिंह आदि उपस्थित रहे। आज का दिन तीन डोगरा के सभी जवानों, पूर्व जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 21 जनवरी 1916 को पहले विश्व युद्ध में पलटन के एक वीर योद्धा जमींदार लाला, जो उस वक्त लांस नायक थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए अपने लिए विक्टोरिया क्रॉस का पदक हासिल किया। ये दिन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इस दिन हम सभी तीन डोगरा से संबंधित जितने भी हाजिर सर्विस या पूर्व सैनिक हैं, वो अपने आप को एक बार फिर से प्रेरित करते हैं ताकि पलटन के लिए, मुल्क के लिए हम और भी अच्छे से अच्छा कर सकें, ताकि पलटन का नाम और देश का नाम ऊंचा कर सकें।